TennisCricket.in, India's first tennis ball cricket website. निर्धारित सहा षटकांचा हा महत्वपूर्ण सामना स्ट्राइकला गोपाळ आखूड टप्प्याचा चेंडू योग्य असा सन्मान चेंडू जातोय तो वाईगिश गलीच्या दिशेनं शॉर्ट पॉईंटवर नक्षत्ररक्षक चेंडूवर पोहोचतोय फेक होते यष्टीरक्षकाच्या दिशेनं व एकेर धावेने स्वतःचं खातं व फ्रेंडशिप संघाचं खातं हे या महत्वपूर्ण सामन्यात खोललं जातंय भागीदारी या सामन्यात मात्र केवळ एकेर धावेची भागीदारी होते ती पहिल्या गाड्यासाठी फुल टॉस चेंडू स्क्वेअर लेगच्या पट्ट्यात गोपाळच्या बॅटमधनं फटका निघतोय व बहुधा या ठिकाणी डीप लॉंग लेग सीमारेषा पार करत गोपाळला चौकार मिळतोय या चार धावांनी धावसंख्या बदलते ती 12 धावांवर लो फुल राजू केलकर 10-12 पावलांच्या रनअपसह आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज हाही एक आखूड टप्प्याचा चेंडू हलकीच दिशा दिली जाते ती थर्डमॅनला एक धाव फलंदाज पूर्ण करताय दुसरे धाव घेणे हे बाप आवश्यक होती गोपाळ पटासाठी मनवती आवश्यक बाप गणेश कुबलच्या साथीनं तो दोन धावांनी सांघिक धावसंख्या वाढते ती 20 धावांवर प्रतिक्रिया राजू राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं मारा करतोय रिव्हर्स स्वीपचा फटका हा गोपाळच्या बॅटमधनं चेंडू जातोय तो कव्हर पॉईंटला एक धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत या एकेर धावीने धावसंख्या वाढते धावसंख्या बदलते प्रत्येकदा चेंडू डाव्या यष्टीवरचा हलकेच या ठिकाणी दिशा दिली जाते ती शॉर्ट फाईन लेगला एक धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत एकेर धावीने धावसंख्या बदलते ती 23 धावांवर 20 धावा दोन गड्यांच्या मोबदल्यात राईट आर्म राऊंड विकेट पद्धतीनं विनोद आपल्या बॉलिंग मार्कवर मधल्या यष्टीवरचा चेंडू विथ अलॉंग द कार्पेट जमिनी लगत एक सन्मानपूर्वक फटका मिड ऑफला जातोय तो गोपाळच्या बॅटमधनं एकेर धावीने दोन्ही फलंदाज आपापली दिशा बदलताय सज्ज होतोय तो गोलंदाज विनोद आखूड टप्प्याचा चेंडू स्क्वेअर कटचा एक नेत्रदीपक फटका डीप कव्हर पॉईंट सीमारेषेच्या पलीकडे जातोय तो गोपाळच्या बॅटमधनं चौकारासाठी एका बाजूनं गोपाळ ऐन भरात ऐन लईमध्ये फटकेबाजी करतोय आखूड टप्प्याच्या चेंडूला कोणतीही दयामाया न दाखव इनिंग ज्याला म्हटलं तर वावग ठरणार नाही असा सुरेख फटका गोपाळच्या बॅटमधनं यावेळी एक मनगटी फटका एकेर धाव तर नक्कीच पूर्ण केली जाते या एकेर धावीने बहुधा षटक समाप्त होते ते तिसरं 3 षटकांचा खेळ समाप्त 29 धाव फलकावर करते इस ओव्हर में ओवर पिच गेंद लाजवाब शॉट बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच हाफ वॉली में लेकर लौंगा बाउंड्री पर एक शानदार शॉट 4 रन के लिए गेंद सीमारेखा से बाहर लेकर आगे निकलकर इस बार फिर से उड़ाया गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर इस बार गेंद को खेला फिर से निकलती हुई गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रन के लिए अलबत्ता इस मैच में बिल्कुल बढ़िया बल्लेबाजी सुंदर शॉट बिल्कुल फिर से आप वॉली पर लेकर गेंद को लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर देखना होगा 6 रन के लिए गेंद सीमारेखा से बाहर और एक बड़ा शॉट गोपाल भट्टा के बल्ले से जरूर समीर रात को अगली गेंद जयराम के फिर से बढ़िया शॉट इस बार बॉलर के ऊपर से लेकिन बढ़िया फील्डिंग बिडॉन पर राजू केरकर के 1 रन से संतुष्ट होना पड़ा यह डीबी ओवर काफी महंगा साबित होता हुआ राउंड विकेट इस बार विनोद बड़ा शॉट मिड विकेट बाउंड्री पर इस बार पुल किया खूबसूरत शॉट गेंद सीमारेखा से काफी लंबा दिखाई देता हुआ 6 रन का इशारा हाफिज तालेकर का बल्लेबाजी करते हुए अच्छी गेंद बिल्कुल बढ़िया क्रिकेट सन्मान बख्शा और नॉन स्ट्राइकर इन पर बिल्कुल करीबी मामला लेकिन थ्रो बिल्कुल सही नहीं था 2 रन बना दिए दोनों बल्लेबाजों ने स्कोर आगे बढ़ता हुआ 57 रन 57 गोपाल भट्टा 43 पर शायद काफी अरसे के बाद समीर ये 7 रन बनाने का मौका 50 का एक अच्छी इनिंग गोपाल भट्टा की सुंदर से बैकफुट पर जाकर स्ट्रोक के लिए जगह बनाई उतना अच्छे शायद जगह नहीं थी लेकिन फिर भी जगह बनाई स्ट्रोक के लिए गेंद को खेला इस बार लौंगा बाउंड्री की तरफ 1 रन अपने व्यक्तिगत 6 रन पीछे इस बार हल्के से केला गेंद को थोड़ा सा हवा में शॉट है लेकिन लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर काफी दूर फील्डर 1 रन के साथ से दूसरे रन के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज थोड़ी सी ढिलाई फील्डिंग में और मौका का लाभ उठाया मौका मिला महंगी गोपाल भट्टा का अर्धशतक इस मैच में लेकिन 4 रन की आवश्यकता रिवर्स स्वीप का प्रयास थर्ड मैन बाउंड्री पर बढ़िया फील्डिंग शायद समीर मेरे ख्याल से ये एक क्रिकेट का हिस्सा है